आप इतनी बड़ी तादाद में हवाई अड्डे पर पहुंचे, स्वागत सम्मान सत्कार किया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और आप सबके माध्यम से मैं पूरे हिंदुस्तान के मेरे प्यारे भाइयों बहनों का सर झुका करके नमन करता हूं। 130 करोड़ देशवासियों को प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। मैं 2014 में भी चुनाव जीतने के बाद अमेरिका यूनाइटेड नेशंस की समिट में गया था और 2019 में भी गया, लेकिन जो फर्क मैंने महसूस किया है, दुनिया की नजरों में, विश्व भर से आए हुए नेताओं की नजरों में भारत के प्रति जो मान सम्मान बढ़ा है, जो आदर बढ़ा है, इसका एक प्रमुख कारण 130 करोड़ हिंदुस्तानी हैं जिन्होंने अधिक मजबूती के साथ दोबारा सरकार बनाई है। लोकतंत्र की इस ताकत की दुनिया में बहुत बड़ी अहमियत होती है और ये अहमियत का एक विराट रूप मैंने इस बार अमेरिका में देखा है। विश्व भर में फैले हुए हमारे भारतीय, उन्होंने भी उन देशों में उन देश के लोगों का प्यार आदर सम्मान प्राप्त किया है, ये भी भारत के गौरव को बढ़ाने वाला है। हाउडी मोदी, ह्यूस्टन का वो समारोह, उसकी विशालता, व्यापकता, भव्यता, राष्ट्रपति जी का वहां आना, दुनिया की नजरों में भारत और अमेरिका की दोस्ती का एहसास होना, वो तो सब है ही है, लेकिन इतने कम समय में अमेरिका में बसने वाले हमारे भारतीय भाइयों बहनों ने, खास करके मेरे ह्यूस्टन के भाइयों बहनों ने, टेक्सास के भाइयों बहनों ने जो शक्ति का प्रदर्शन किया, उसकी चर्चा वहां रिपब्लिकन पार्टी के लीडर थे, वहां डेमोक्रेट भी थे, राष्ट्रपति जी स्वयं भी थे, एक प्रकार से व्हाइट हाउस का कारोबार चलाने वाले प्रमुख लोग भी वहीं थे, उनके मुंह से वाहवाही सुनना बड़ा स्वाभाविक था। लेकिन जब मैं न्यूयॉर्क पहुंचा और यूनाइटेड नेशंस में विश्व भर के आए हुए नेताओं से मिलना हुआ, हर किसी की जुबान पर शुरुआत यहीं से होती थी, हाउडी मोदी।
पूरे विश्व पर हिंदुस्तानी किस प्रकार से प्रभाव पैदा कर सकते हैं, भारत किस प्रकार से दुनिया के दिल को जीत सकता है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपने आप अनुभव किया है। मैं आज यहां से अमेरिका में रहने वाले हमारे सभी भारतीय भाइयों बहनों का भी विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। आज विश्व में भारत की आन बान शान की चर्चा तो है ही है, भारत की तरफ देखने का नजरिया भी बदला है। आज विश्व भर में भारत की स्वीकृति बढ़ी है, भारत के प्रति आदर का भाव बढ़ा है और उसका पूरा श्रेय हिंदुस्तान के भाइयों बहनों को है, विश्व में फैले हुए मेरे प्यारे भारतीय भाइयों बहनों को है। साथियों, आज 28 सितंबर है, 3 साल पहले, वो भी एक 28 सितंबर थी जिस 28 सितंबर को मैं पूरी रात एक पल भी सोया नहीं था। पूरी रात जागता रहा था, हर पल टेलीफोन की घंटी कब बजेगी इसी के इंतजार में रहता था। और वो 28 सितंबर भारत के वीर जवानों के पराक्रम की एक स्वर्णिम गाथा लिखने वाला था। 3 साल पहले 28 की रात को ही मेरे देश के वीर जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक करके भारत की आन बान शान को और अधिक दुनिया में ताकत के साथ प्रस्तुत किया था। मैं आज 28 सितंबर की उस रात को याद करते हुए हमारे वीर जवानों के उस साहस को, उस पराक्रम को, मौत को मुट्ठी में लेकर के चल पड़े उन वीर जवानों को मैं आज प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। साथियों, कल से नवरात्रि का पर्व प्रारंभ हो रहा है। हिंदुस्तान के हर कोने में शक्ति उपासना का पर्व प्रारंभ हो रहा है, दुर्गा पूजा का महोत्सव प्रारंभ हो रहा है। मैं सभी देशवासियों को इस नवरात्रि के पावन पर्व की, दुर्गा पूजा के इस महोत्सव की, शक्ति उपासना के उस पर्व की हृदयपूर्वक बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं फिर एक बार आप सबका धन्यवाद करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं और फिर से अपने काम में लग जा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, यहां से 2-2.5 किलोमीटर तक लोग
अपने परंपरागत वेशभूषा में।